गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस ऑन बफर सॉल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट। जब किसी बफर सॉल्यूशन कोई भी ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जब भी हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो अपने पीएच के चेंज होने को रजिस्ट करता है या उस सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोकता है। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करें तो द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एग्जांपल अमोनियम एसीटेट एक्ट एज ए बफर अमोनियम एसीटेट। इसके बाद दो तरीके का होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट लाइक एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड ए साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इन शॉर्ट टर्म बोला जाए तो वीक बेस एंड इट्स साल्ट लाइक NH4OH और NH4Cl या NH4OH NH4NO3। बात करेंगे बफर एक्शन की। इससे पहले बफर सॉल्यूशन का कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो वो 1 से 7 तक के पीएच के लिए यूज़ होता है और जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है वो 7 से ऊपर यानी 7 to 14 तक के लिए पीएच रजिस्ट करने के लिए उसका यूज़ होता है। बफर सॉल्यूशन या बफर एक्शन की बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड और द बेस आर एडेड टू इट, इट इज़ कॉल्ड बफर एक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बफर एक्शन, एसीटेट बफर दिया गया है जिसमें सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के बारे में दिखाया गया है। इसमें सोडियम एसीटेट देखिए CH3COONa है, चूँकि ये एक साल्ट है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और एसिटिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है। बट एसीटेट आयन जो है वो इस पूरे सॉल्यूशन में एक कॉमन आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब जैसे ही इसमें हम OH, चूँकि ये टूटे हुए हैं दोनों CH3COOH और CH3COONa में, तो जब भी इसमें H आयन आता है, H आयन क्या करेगा, वो CH3COO- यानी एस्टेट आयन जो कि कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू इसमें पड़े हुए हैं उनसे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट होते ही एक वीक एसिटिक एसिड बना देगा और ये वीक एसिड क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ हो जाएगा यानी बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ चला जाएगा और एसिटिक एसिड वहाँ पर जो एक एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है वो डिसोसिएट हो जाएगा। यानी CH3COOH जो वीक एसिड बना है एसिड ऐड करने की वजह से, वो एसिटिक एसिड जो है जो पहले से मौजूद है वो इसको मेंटेन करने के लिए अपने आप को डिसोसिएट कर देता है ताकि ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे, साम्य अवस्था में रहे। इसी तरह जब OH आयन आता है तो वो क्या करता है कि वो H आयन से रिएक्ट कर जाता है जो इस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है और वो H2O का बना देता है और जब H2O बनता है, H2O जो है किसी भी तरीके से pH जो है वो सॉल्यूशन का नहीं बढ़ा सकता। तो इस तरह से एसीटेट बफर सॉल्यूशन जो है वो वर्क करता है। अब बात करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन का। अब बफर सॉल्यूशन जो बेसिक वाला होता है वो किसी भी वीक बेस और अपने साल्ट से बनता है, इसके साल्ट से बनाया जाता है जैसे NH4OH और NH4Cl। इसमें देखेंगे तो NH4OH जो है वो स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होता है, जबकि जो NH4Cl है वो NH4+Cl- क्योंकि ये साल्ट है
वो पूरा डिसोसिएट होता है, फुली डिसोसिएट होता है। तो दोनों ही में जो साल्ट फॉर्म है वो फुली डिसोसिएट होते हैं, और जो वीक बेस या वीक एसिड हैं वो स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको एसिड बेस में पढ़ा है कि वीक एसिड वही होते हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। अब बाई कॉमन आयन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द एन एच फोर एच फर्दर सप्रेस्ड, दस इन द सोल्यूशन देयर आर एक्सेस ऑफ एन एच फोर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ओ एच माइनस आयन। तो अब सोल्यूशन में क्या है कि एन एच फोर ओ एच आयन कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन ये दोनों साम्यावस्था में यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी इसमें अब हम जब भी इसमें कोई बेस ऐड करेंगे, जब भी हम इसमें कोई बेस ऐड करेंगे, तो जैसे उसमें से ओ एच आयन जो होगा, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस आर एडेड द ओ एच आयन गिवन बाय इट्स इमीडिएटली कंबाइन विद एन एच फोर आयन टू फॉर्म वीकली आयनाइज्ड एन एच फोर ओ एच, यानी एन एच फोर प्लस जो पहले से सॉल्यूशन में साम्यावस्था में है उससे ये ओ एच माइनस आयन जो है वो जुड़ जाएगा, एन एच फोर ओ एच बनाएगा। ये बहुत ही वीक बेस है, और ये क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड की तरफ ले जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ ले जाएगा, और पहले से जो मौजूद उसमें एन एच फोर ओ एच है वो अपने आप को इसको कंपनसेट करने के लिए अपने आप को डिसोसिएट कर देगा एन एच फोर प्लस और ओ एच माइनस में। तो इस तरीके से ये जो बढ़ा हुआ एन एच फोर है वो कंपनसेट हो जाता है बाई द डिसोसिएटिंग प्रीवियसली एन एच फोर ओ एच। सेम इसी तरीके से जब इसमें एच आयन आएगा तो वो एच ओ एच माइनस से मिल के H2O बना देगा, और वो किसी भी कंडीशन में pH को नहीं बढ़ने देगा। तो इस तरीके से जो बफर एक्शन है या बफर सॉल्यूशन है वो pH को मेंटेन करता है। इसका अगर शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश की जाए या इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसे लाशा तेलिए कि जो साम्यवस्था है उस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे उसमें जब रिएक्शन जब प्रोडक्ट आगे की तरफ या पीछे की तरफ जो अग्रक्रिया या पश्चक्रिया के हिसाब से या बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन के बेस पे वर्क करता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एन एच फोर ओ एच यानी वीक एसिड या एसटिक एसिड वीक एन एच फोर ओ एच वीक बेस या वीक एसटिक एसिड जो है वो अपने बफर सोल्यूशन को उसी पैटर्न पर मेनटेन करते हैं। तो एन एच फोर ओ एच चूँकि वीक बेस है और एसटिक एसिड वीक एसिड है तो दोनों कम डिसोसिएट होते हैं, और इसका जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट होता है। तो इस तरीके से हम एसटिक एसिड और बेसिक या स्टेट बफर सॉल्यूशन या एसटिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, इस क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो दोनों ही एसिटेट और बेसिक यानी एसिडिक और बेसिक दोनों ही बफर सॉल्यूशन की मैकेनिज्म आपको इसी तरीके से इसमें दिखानी होती है। थैंक यू।